चिकित्सा जगत में नए आयाम रचते हुए एशियन अस्पताल ने क्षेत्र का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया। कानपुर की रहने वाली 31 वर्षीय चांदी मिश्रा पिछले 4 साल से सांस फूलने के कारण परेशान थी। डॉक्टरी जांच करने के बाद पता चला कि उन्हें हार्ट फेलियर हुआ है, जिसका एकमात्र उपचार केवल हार्ट ट्रांसप्लांट ही है। एशियन अस्पताल के हृदय सर्जन डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि चांदनी मिश्रा अपने पति के साथ हमारे पास 3 महीने से उपचार ले रही थी। उनका दिल केवल 14% ही काम कर रहा था, जिसका एकमात्र उपचार हार्ट ट्रांसप्लांट ही था। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मैचिंग ब्रेन डेड डोनर नहीं मिलने के कारण वह 4 वर्षों से दिल का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर अमित ने बताया कि 6 जनवरी को सुबह नोटो की तरफ से हमारे पास फोन आया था कि वडोदरा गुजरात की एक महिला की ब्रेन डेड मृत्यु हुई है, जिसका ब्लड ग्रुप चांदनी के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। हमने तुरंत ही मरीज को उसके पति के साथ ट्रांसप्लांट के लिए बुलवाया। डॉक्टर अमित सुबह ही एक चार्टर प्लान से वडोदरा गुजरात के अस्पताल हार्ट लेने गए और शाम 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट वापस आए। दिल्ली गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया ताकि बिना किसी रुकावट के तुरंत हार्ट को फरीदाबाद एशियन अस्पताल पहुंचाया जा सके। केवल 30 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद एशियन अस्पताल की 40 किलोमीटर की दूरी पूरी की गई। डॉक्टर अमित ने बताया कि यह बहुत ही जटिल सर्जरी थी, जिसमें हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे एनेस्थेसिया के डॉक्टर गगनपाल, डॉक्टर बुवाना, डॉक्टर अनुभव कपूर और हमारी हार्ट कोऑर्डिनेटर अर्चना ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान था। यह बहुत ही जटिल सर्जरी थी क्योंकि ब्रेन डेड मरीज के शरीर से हार्ट निकालने के बाद दूसरे मरीज के शरीर में लगाने के लिए हमें केवल 6 घंटे का समय मिलता है। हमने ये ट्रांसप्लांट 3 घंटे में पूरा किया। एशियन अस्पताल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एन के पांडे ने बताया कि मैं अपने डॉक्टरों की टीम और मरीज के परिवारी जन को बधाई देता हूं कि उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर मरीज की जान बचाई है। फरीदाबाद क्षेत्र का पहला अस्पताल है जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट कर इतिहास रच दिया। और आंध्र प्रदेश, गुजरात वगैरह जाके इलाज कराते थे और बहुत पैसे और बड़ी परेशानियों के साथ वापस आते थे। किसी को होता था, किसी का नहीं होता था। तो हम ये सर्विसेज यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक अभी तक कोई नहीं ला पाया है। तो हमारी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस को अवेल करें और सामने आएँ और कंसल्टेशन लें। हम उनकी हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। जिन महिला को ये हार्ट ट्रांसफर किया गया है उनकी उम्र कितनी थी और डोनर की उम्र कितनी थी, क्या इसमें मैचिंग किया जाता है? जो रेसिपिएंट है यानी जिनको लगाया है उनकी उम्र 31 साल है और जो जिस डिसीज डोनर है उनकी उम्र थी 34 साल। जी, मेन मैचिंग क्या किया है? मैचिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ब्लड ग्रुप जो देखा जाता है बेसिक, जैसे ए है, ओ है, बी है, ए बी है, वो प्राइमरी मैचिंग होती है। उसके बाद और भी कुछ डिटेल मैचिंग होती है, वो बाद में की जाती है। कहाँ से लेकर के आए थे? हम लोग वडोदरा से लेकर के आए हैं। कितना समय लगा, कितने घंटों में ट्रांसप्लांट हुआ? हम लोग ऑर्गन निकालने के बाद हम लोग 3 घंटे 40 मिनट में हम एशियन अस्पताल पहुँच गए थे और अगले 35-40 मिनट में हम लोगों ने लगा करके क्लैंप खोल देना, यानी हार्ट को दोबारा से ब्लड परफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब ये जो क्या नाम है, पहले जिसका लगाया गया है महिला को, उसका हार्ट 14% जैसे कि पता चला कि काम कर रहा था, अब ये कितना करेगा काम? देखिए, ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, बट हार्ट अच्छा काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर अच्छा जनरेट कर रहा है। तो और दूसरा ये कि किसी भी एक दूसरे व्यक्ति का हार्ट अगर किसी में लगाते हैं तो रिजेक्शन की भी एक बहुत बड़ी एक समस्या होती है कि वो उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो वो एक समस्या जिससे हमको लड़ना है, हम लड़ रहे हैं उससे। अगर वो सारी चीज़ों से लड़ लेते हैं तो हार्ट नॉर्मल काम करेगा, क्योंकि जिस लेडी से हम लेके आए उसमें हार्ट का फंक्शन नॉर्मल था, 60% था, तो उम्मीद यही है कि वो 60% यहाँ भी काम करेगा। अभी इनकी हालत कैसी है? अभी ठीक है, क्रिटिकल केयर में है और थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बट इम्प्रूव कर रही हैं ग्रेजुअली, धीरे 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 ठीक हो रही हैं। तो अभी जब तक पूरी तरह ठीक हो जाती तब तक इनकी दवाइयाँ चलेंगी या ताम्र? देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इम्यूनो सप्रेशन होता है जिसमें कि आपके शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको हम दबाते हैं जिससे कि वो ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके। वो भी अपने आप में एक दुधारी तलवार होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड देते हैं जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं कि ऑर्गन डोनर्स के लिए कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है, शायद हमको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं उनको, शायद हमें ही उनकी तरफ पहुंचना होगा, उनको बताना होगा, समझाना होगा, काउंसिल करना होगा, तभी वो चीज़ें परकुलेट होंगी। ये शायद हमें कहीं ना कहीं यही कमी है। जिस महिला का ये मिला सब मिलाकर के 9 ऑर्गन हो जाते हैं। जैसे कि अब इस लेडी का हार्ट गया, लंग गया, लंग भी 2 जगह गया, एक लंग दूसरी जगह गया, एक लंग दूसरी जगह गया, लिवर गया, लिवर में भी 2 लोब्स होते हैं, किडनी गई, किडनी भी 2 होती हैं, उसके अलावा कॉर्निया गया, इंटेस्टाइन गया और कई बार स्किन भी जाती है, हैंड भी जाता है। अब उनके अंग 9 लोगों में धड़केंगे। हाँ जी, हाँ जी। लॉजिस्टिकली तो बहुत ही कठिन रहा। आपको यहाँ से टीम तैयार करना, एयरपोर्ट पे सारा कोऑर्डिनेशन करना, वहाँ से प्राइवेट जेट अरेंज करना,
जेट को जाके वहाँ पे वेट करना, वहाँ से टीम को दूसरे अस्पताल में जाके ऑपरेट करके हार्ट निकालना और फिर जर्नी में वापस आना। लेकिन आसान काम तो हर कोई करते हैं, कठिन काम ही चैलेंज होता है। तो कितना सपोर्ट? आई थिंक कि 6 घंटे का विंडो होता है, 5-6 घंटे का विंडो, उस विंडो के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया। अभी महिला की हालत कैसी है उनकी? मैं कहूँगा स्टेबल है बट क्रिटिकल है, अभी तो उससे ज़्यादा कहना मुश्किल है। सर जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, ने तीनों जगह के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली, और एक बार फ़ोन करने के बाद हमें किसी को ये रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और जैसे जैसे प्लेन वहाँ से टेक ऑफ हुआ उनको पता था, मिड एयर में था तो पता था, कितने बजे लैंड हो रहा है ये पता था, लैंड किया और उसके बाद सारा कुछ हमारे लिए ऐसा था कि दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद के बीच में हमारे एम्बुलेंस के लिए कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई ट्रक नहीं था, कोई कार नहीं थी। और मैं तो समझता हूँ कि ये पुलिस का, तीनों दोनों स्टेट और जिलों के पुलिस का कमाल का काम था।